हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम राज है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे जीरोधा पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ रेडी रखने पड़ेंगे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो मैं सब एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको आधार कार्ड चाहिए, एक वाइट पेपर पे अपने साइन करके रख लेना, अपना चेहरा धो के रख लेना क्योंकि इसमें आपकी एक फ़ोटो खींचेगी वो भी लगेगी। उसके अलावा आपको चाहिए एक ब्लैंक चेक, उस चेक को कैंसिल चेक बना लेना। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथ में एक वाइट पेपर और पेन भी रख लेना, उसकी ज़रूरत आपको एक जगह पर पड़ने वाली है। आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन चीज़ों की, वो हम इस वीडियो के दौरान आपको बताते जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए जो कि आपको डायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने पर आपको इस तरह से काइट बाई जीरोधा का एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये आपको दिखाएंगे दो ऑप्शन जिनमें से आपको क्लिक करना है ओपन अ न्यू अकाउंट पर। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डालना है आपको आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। तो 10 डिजिट का होता है जो भी मोबाइल नंबर आपका जो हो वो आप इसमें लिख दीजिए और लिखने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये एक OTP भेजेगा आपके मोबाइल पर जो कि आएगी, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मेरी ऑलरेडी आ गई है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही आप अपनी इसमें OTP डालेंगे और उसके बाद फिर से आपको क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर और उसके बाद ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो नाम इसमें आप वही डालना जिस नाम से आपको अकाउंट बनाना हो जो कि आपका पैन कार्ड में डला हुआ हो। तो सिंपली आप फिर से ईमेल आईडी डालने के बाद आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कन्फर्म करना पड़ेगा अपना ईमेल को किससे, OTP के द्वारा। आपके मेल पर जो OTP भेजी गई उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए और लिखने के बाद सिंपली आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल आपको 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं जिनमें से पहले स्टेप में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पैन कार्ड की और आपकी डेट ऑफ बर्थ की। तो पैन नंबर लिख दीजिए इसमें और उसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये आपको स्टेप नंबर 2 पर पहुँचा देगा और स्टेप नंबर 2 पर ये आपको कुछ ऑप्शन देगा, उनको आप टिक कर दीजिए। उसके बाद इसमें 1 टाइम पेमेंट एक लगता है 200 रुपये का, वो आप इसमें पे कर दीजिए। ये बार बार नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तभी लगता है। आप इसे UPI या फिर किसी कार्ड वगैरह के जरिए पे कर सकते हैं। मैं इसे UPI के थ्रू करूँगा क्योंकि ये बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा। UPI आईडी डाली, उसके बाद कंटिन्यू किया और उसके बाद मैं जिस ऐप की UPI आईडी डालूंगा, जैसे कि मान लो फ़ोनपे या पेटीएम की मैंने डाली, मैं अपने पेटीएम पे जाके 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दूंगा और अगले स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार कार्ड नंबर। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसकी OTP आपके फ़ोन पे आएगी, उसका भी आप यहाँ पर OTP डाल दीजिए और OTP डालने के बाद सिंपली कर दीजिए कंटिन्यू पर क्लिक। तो पेमेंट होने के बाद अब हम अपना आधार नंबर भी डाल चुके हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है तो ये बोलेगा कि आपको हम ई आधार डाटा निकालेंगे तो उसके लिए हमें अलाउ कर दीजिए। तो इसको आप कर दीजिए अलाउ। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे जो कि आपका हो गया ये वाला स्टेप सक्सेस। अब ये आपको अगले की ओर पूछा देगा, आपसे नई इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आधार कार्ड की KYC करेगा, जिसमें ये आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा जैसे आपका पेरेंट्स का नाम, आप सिंगल हो या मैरिड हो, ठीक है, आप मदर का नाम, ठीक है, आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या है, कुछ बेसिक इन्फो आपसे मांगेगा। तो वो आप सारी फिल कर दीजिए, माँ का नाम डाल लीजिए, आपकी सैलरी वगैरह या आपका एनुअल इनकम कितनी है वो डाल दीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर दीजिए। इन दोनों बटन में से आपको चूज करना है कैलेंडर क्वार्टरली वाला, उतना बहुत है, हर महीने आपको स्टेटमेंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा आप इनमें से चूज़ कर लीजिए ट्रेडिंग, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप नए हो, क्या जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, या जो भी आपका हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। पॉलिटिकली सेल एक्सपोज में मैंने नो कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है मैं डालना भूल गया हूँ कि इसमें मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, तो मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पे क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इसने फिर से स्टेप नंबर 4 पे भेज दिया जिसमें ये बोल रहा है कि यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए। तो लिंक दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल के, बैंक अकाउंट नंबर डाल के, IFSC डाल के, या फिर आप सिंपली UPI आईडी डाल के भी अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है, मैं इसी को चूज़ करूँगा, UPI आईडी डालूँगा और आईडी लिखने के बाद सिंपली मैं कर दूँगा वेरीफाई UPI आईडी पे क्लिक।
ठीक है। उसके बाद ये सिंपली बहुत ही आसान तरीके से ले लेगा, लेकिन उससे पहले ये ऐसे वेरीफाई करेगा कि अगर आपके अकाउंट की कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं की, सही नहीं हुआ, तो ये उसको बता देगा। लेकिन मेरी सारी इन्फो सही थी, इसलिए इसने वेरीफाइड दिखा दिया है। अब नीचे जाऊँगा, थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, ये कुछ ऑप्शन है, इनको मैं टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि कुछ इस तरह से आपको अपनी फ़ोटो भेजनी है। आप जब अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आपके सामने एक लड़की की फ़ोटो आएगी, उस पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आप अपने एक वाइट पेपर पर लिख के और सामने रख के फ़ोटो खींच लेना। और खींचने के बाद आपको सिंपली करना है कन्फर्म पर क्लिक। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपने चश्मा वगैरह लगाया हुआ हो या फिर पेज पे जो नंबर लिखा है वो एकदम क्लियर दिखे, और आपको कोई भी ऐसा नहीं हो कि ब्लर वगैरह आ रहा हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। ओके कर देंगे, अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। स्टेप नंबर 6 पे आ गए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला है इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ ऑप्शनल है आपके पास, आप इसे डालें या ना डालें, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसमें आपको पैन कार्ड लगाना है, आपको सिग्नेचर लगाने हैं, और उसके बाद आपको एक ब्लैंक चेक देना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी रेडी करके रखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने अपना पैन कार्ड लिया, उसको सामने रखा और उसकी फ़ोटो खींची, और उसके बाद मैं उसको कर दूंगा ओके। जैसे ही ओके करूँगा ये मेरा यहाँ से ले लेगा पैन कार्ड की फ़ोटो, और उसके बाद उसको ओके दे देगा, और मेरा इस साइट पे जाके पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा जैसे ही मैं डन करूँगा। उसके बाद हमें इसमें अगली चीज़ देखनी है, जैसे कि हमें दूसरे नंबर पे देखनी है सिग्नेचर। मैं इसमें सिग्नेचर लगा दूँगा, और फिर ये सब चीज़ करने के बाद मैं इसके एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच जाऊँगा, जो कि है मेरा ई साइन। तो मैं ई साइन पर क्लिक करूँगा, ये मुझे एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। ये डायरेक्ट करने के बाद ये पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और आपने जो जो स्टेप अभी तक कंप्लीट किए हैं, आपने नाम डाला, आपने पैन कार्ड डाला, आपने आधार कार्ड डाला, आपने पेरेंट्स का नाम डाला, आपने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं वो सारी चीज़ें, अब ये यहाँ पे आप इस तरह से एक फॉर्म दिखाई देगा, उसमें आप अपनी सारी क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन पे आप सिंपली कर दीजिए टिक, उसके बाद क्लिक कीजिए प्रोसीड टू ई साइन पे। जैसे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे एक स्टेप फिर से पूछेगा, जिसमें आपका ये आधार कार्ड के वेरीफाई करेगा, वहाँ से साइन लेगा, फैच करेगा। तो सिंपली मैंने उस पर टिक किया, अपना आधार कार्ड नंबर डाला और सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, वेरीफाई ओटीपी, और उसके बाद मेरे नंबर पे एक ओटीपी आया, मैंने उसको फिल किया और फिर से क्लिक कर दिया वेरीफाई ओटीपी है। तो ओटीपी सिंपली आपको डालनी है, एक तरह से देखा जाए तो ओटीपी मैंने डाल दी। उसके बाद ये मेरा वो फॉर्म दे देगा, जो जो मेरी इन्फो है, मेरी फ़ोटो आधार कार्ड से ले ली, मेरा नाम इसने आधार कार्ड से ले लिया, पेरेंट्स नाम मैंने डाला था, और उसके अलावा मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी इसने इसमें दिखा दी है। इवन आपका आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन, इवन आपका पैन कार्ड, इवन आपका सिग्नेचर, मतलब जो जो आपने फिल किया अभी तक, जितने स्टेप कंप्लीट करने वो सब कुछ इसने दिखा दिया है। उसके बाद एक बार मैं सब कुछ क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। फिर से ये मेरे को एक बार बोलेगा कि अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, मैं अपने आधार कार्ड नंबर को डाल दूंगा, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा, ओटीपी भी आएगी, उसको भर दूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे अपने लास्ट स्टेज पे, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो ई साइन हो चुका है। अब बचा है हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप, तो मैं इस पे इक्विटी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा जो भी मुझे ये बटन दिख रहा है फिनिश का, उस पर। और इस तरह से मैंने अपने डीमैट अकाउंट बनाने के सारे स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। कहीं पर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना और देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो के दौरान आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, वीडियो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपको फिर से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे स्टेप लाइव दिखा गए हैं, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में लिख देना, हम उसको किसी ना किसी प्रकार से आपकी सॉल्व कर देंगे। आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको कुछ और बेनिफिट भी दिलवा दूंगा जरूर हमें अकाउंट बनाने के लिए। बाकी आगे हम और भी कई तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके, जो काफ़ी फ़ायदा कराएंगी। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।